हैदराबाद में सालाना होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश को अचानक मनसूख किए जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुश्क मेवेजात के ताजरीन मुतासिर हुए। उनका कहना है कि दीगर अशिया की बनिस्बत वो इन खुश्क मेवेजात का स्टॉक नहीं रख सकते। वो कारोबार की नीयत से हैदराबाद में हर साल होने वाली इस नुमाइश में स्टॉल लगाने के लिए आए थे, लेकिन नुमाइश के मनसूख होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन ताजरीन में ज़्यादातर का ताल्लुक कश्मीर से है। उनका कहना है कि नुमाइश मनसूख हो गई है, जिसकी वजह से उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इन ताजरीन ने कहा कि उन्होंने कर्ज हासिल करते हुए खुश्क मेवाजात को अपने इलाकों से यहाँ नुमाइश में फ़रोख्त करने के लिए लाया था, ताहम कोविड के मामलों में अचानक इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने नुमाइश को मनसूख करने का फ़ैसला कर लिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं और उनमें उदासी पाई जाती है। ये अफराद पेचीदा सूरत हाल का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नुमाइश सोसाइटी को चाहिए कि वो उनके नुकसान की पाबजाई करे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि उन्होंने खुश्क मेवेजात को फरोख्त करते हुए आमदनी की तवक्को की थी, ताहम इस 45 दिन चलने वाली नुमाइश के अचानक बंद होने के सबब उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि 45 दिनों के लिए स्टॉल लेने सोसाइटी को रकम दी गई थी, साथ ही दीगर मसारिफ जैसे गिज़ा, रहने के मुकाम और स्टाफ की तनख्वाहों के लिए 5 लाख रुपए सर्फ किए गए थे, लेकिन इनको कोविड के सबब नुमाइश को बंद करने के फैसले की वजह से ना सिर्फ मायूसी हुई बल्कि बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ा। तो बोलो, इन्होंने कर्जा लिया है, उधर से माल लाया है, वहाँ से तो ये बेचारे फंस गए हैं इधर नुमाइश में। तो जितना हो सके उतना ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए आ जाए, हम है 2-3 दिन यहाँ पे। हैदराबाद वालों की मेहरबानी होगी, वो बस और क्या, इतना ही।